लोकल्स की क्या जबरदस्ती है भाई। पिछले 3 घंटे से खड़े हैं एक ही जगह पे, एकदम से उड़ा, मैं डर गया। वो भाई साहब देखो, लुक एट दिस, ये है कटरा, वैष्णो माता का मंदिर है इस तरफ। काफी अच्छा पंजाब के कल्चर को दिखाया है। तो कल रात का स्टे सुपर अमेजिंग रहा मेरा, और अभी मैं निकलूंगा आगे, पहलगाम का प्लान है। लेकिन कहते रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत मिलेगा, तो देखेंगे। बाकी इनकी यूनिवर्सिटी बहुत शानदार है, चाय भी पी के आए, थोड़ा बहुत घूम के आए, इन्होंने यूनिवर्सिटी का टूर कराया जो आपको मेरे शॉर्ट में देखने को मिलेगा, वो जाके जरूर देखें। और अभी अपने निकलेंगे पहलगाम के लिए, कश्मीर को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, मॉन्स्टर लेके निकलते हैं आगे। तो एवरीबॉडी, अभी देखिए हम निकल रहे हैं, ये अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ अपने रात रुके थे। जम्मू में वापस पहुंच गया हूं, और इधर की मार्केट बड़ी खूबसूरत है। कल तो भाई इतना परेशान हुआ इधर घूम के, इरिटेट हो गया। बाकी शहर बहुत डेवलप है, अच्छा शहर है, लेकिन होटल्स के मामले में तो बहुत ही बुरा सीन है इधर, बहुत ही बुरा। अकेला मेरे साथ ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मैं कल जिन लोगों के पास रुका था उन लोगों ने बताया कि इधर सबके साथ ये सीन होता है। जम्मू की पूरी मार्केट हम कवर करके आए। इधर क्या रहता है कि यार कंजस्टेड सा इलाका है, कोई खाने पीने का ऑप्शन देखो तो भी पार्किंग नहीं है यार अवेलेबल ढंग से, तो भाई बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अभी अपने कोशिश कर रहे हैं कि शहर से बाहर जाके ही कहीं पार्किंग मिलेगी ना, तो वहाँ ही कुछ खाएंगे। इन खूबसूरत सी वादियों से होते हुए जा रहे हैं, यहाँ के पहाड़ थोड़े अलग है, इधर के पहाड़ ऐसे बिल्कुल चट्टाने, मजबूत चट्टाने हैं भाई, लैंडस्लाइड वाला सा इलाका नहीं देखने को मिलता है। और ये आ गई है सामने की साइड में छोटी सी टनल, जिसको अभी हम पार करेंगे। ये है छोटी सी टनल, ज्यादा बड़ी तो नहीं है, शायद 50 मीटर की होगी, बड़ी मुश्किल से 100 मीटर 50 मीटर की। एक और टनल आ गई है, टनल के बाद एक और टनल। राइट नाउ आई एम एट जम्मू टू श्रीनगर हाईवे, और यहाँ से हम टैंक फिल करवा रहे हैं। और देखो यार यहाँ का रेट बड़ा कम है, जो हमें पीछे मिल रहे थे, जितने मिल रहे थे उन सबसे ये सबसे कम है, 83 रुपीज। और अच्छा महंगे मिलेंगे यहाँ से ऊपर, तो यहाँ पे लगभग अपने को 83 रुपीज का तेल पड़ा, तो बहुत बढ़िया मिल गया। मैं तो टैंक फुल करवा डाला, और वैसे तो कल भी कराया ही था, लेकिन जो बच रहा था अभी करीब 2250 रुपए का और तेल आ गया। तेल तो भाई थार में आता ही रहता, जितना मर्जी डाल लो, ये तो पीती है, खूब पीती है तेल ये। प्लान तो ये है कि कश्मीर के बाद में थार को घर छोड़ने का प्लान है, उसके बाद बाइक ट्रिप होगी या ट्रेन ट्रिप होगी, प्लेन की ट्रिप होगी, कौन सी होगी वो आपको आगे चल के बताएंगे। सरप्राइज आएंगे 100 डेज में, लॉट ऑफ सरप्राइजेस आएंगे, बहुत सरप्राइज आएंगे। प्लाजा के उसके ऊपर देखो, वो देखो बंदर बैठे यार, पीते हैं, बढ़िया जगह लग रही दिखने में, तो बरिस्ता वगैरह सारे ऑप्शन है इसमें। काफी अच्छा पंजाब के कल्चर को दिखाया है, काफी सारी ओल्ड स्कूल चीजें भी लगाई है इधर, काफी अच्छी जगह यहाँ से अपना हुआ है आज का ब्रेकफास्ट। वैसे अच्छा हो गया, बढ़िया सी चाय पी ली, बढ़िया सा परोठा खा लिया, अंदर बरिस्ता भी है कॉफी के लिए, कई सारे ऑप्शन है इधर हवेली में, और सामने मैकडी भी था। तो इधर से अभी क्या रहेगा, यहाँ से रूट तो अभी लगभग जो शो हो रहा था उस टाइम 4:30 का हो रहा था, मुझे लगता है 6 बजे जाएंगे, 6 तो अपने थोड़ा रुकते रुकते जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 7:30 बजे जाएंगे अपने। आप लोग भी बोलते हो दीप भाई तो सुबह सुबह डेली का डेली परौंठा लेता है, भाई घर से आदत है यार, हमेशा से एक परौंठा खाते हैं, तो इतना मेरे को कड़ लगता नहीं है। देखो उसके अलावा यार अच्छा ब्रेकफास्ट में इधर कोई अच्छे ऑप्शन नहीं है भाई, मैगी वैगी खा के मैं नहीं करना चाहता ब्रेकफास्ट। कटरा वैष्णो माता का मंदिर है इस तरफ, तो माँ वैष्णो को प्रणाम करके आगे चलते हैं, आएंगे माता के दरबार पे जरूर आएंगे। आगे चल के पत्नीटॉप आएगा, पत्नीटॉप यहाँ से 50 किलोमीटर है और श्रीनगर 185 किलोमीटर है। अच्छा मेरे को एक पुलिस वाले मिले, और वो उन्होंने मेरे को कहा कि आप अकेले जा रहे हो, मैं कह जी अकेला जा रहा हूँ, कहते कोई साथ नहीं है, मैं कह जी नहीं है, मैं कह दुनिया में आए हैं अकेले, जाएंगे अकेले, फिर कहता तो घूमो तो दो जने ना, कम से कम दो जने तो हो, मैं कह सर अभी तक तो अकेले ही है जीवन में, जब दो होंगे तो दोनों भी घूम लेंगे। थोड़ा मजाक किया, और कोई मेडिकल देखते हैं यार, वहां से स्ट्रेप्सिल्स लेते हैं गले के लिए, थोड़ा बेटर रहेगा,
ज्यादा बोलते हैं फिर ज्यादा खांसी आती है, थोड़ा सा डाउन हो गया हेल्थ। ये देखो ट्रक ही हिल गया पूरा का पूरा, देखो किस शेप में चल रहा है। ये कोई ट्रेन का डब्बा जा रहा है शायद, इंजन विंजन है पता नहीं क्या चीज है। पीछे दो बंदे भी रखे गए हैं जो बताते रहते हैं कि रास्ते में किधर से कैसे जाना है। वो भाई साहब देखो, लुक एट दिस, ये है कोई ट्रेन का इंजन जा रहा है इस पे। गजब यार गजब, ऐसी चीज तो मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। कितना रिस्की है ऐसे ऐसे चीजों को लेके जाना। दो आदमी स्पेशल ड्यूटी कर रहे हैं नीचे खड़े होके बैठ के। लुक एट दिस, लुक एट दिस, ये देखो ट्रेन का बॉक्स है। ये भी पैसेंजर है, मतलब ट्रेन का जो इंजन नहीं है, इंजन के अलावा जो बॉक्सेस रहते हैं वो है। ऐसे आगे पता नहीं कितने मिलेंगे, लेकिन ये चीज थोड़ा यूनिक देखने को मिली है हमें, जो फर्स्ट टाइम देखी है मैंने। भाई ट्रेन का डब्बा ऐसे ट्रक पे चढ़ के जा रहा है, और ये ट्रक जब कॉर्नर पे जाता है ना तो ये आगे के टायर किधर ही हो रहे हैं पीछे किधर ही हो रहे हैं, तो इसीलिए दो बंदे पीछे बिठाए गए हैं जो ये बताने के लिए कि भाई रुको अभी ओवरटेक मत करो, ताकि सेफली ये डब्बा अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। और नीचे से नदी जा रही है, यहाँ से तवी नदी है, तवी 145 किलोमीटर पहलगाम आ रहा है और लगभग 160 किलोमीटर दूर श्रीनगर है, ज्यादा दूर नहीं है वो भी, पता नहीं कितनी लंबी। ओहो अंदर का तो सीन ही अलग है भाई, अंदर की लाइटिंग बड़ी शानदार है रेड कलर की। वाह 9 किलोमीटर की टनल है ये, और कहते हैं टनल के बाद में रोड का काम चल रहा है तो थोड़ा दिक्कत रहेगी, रास्ते में टाइम ज्यादा लगेगा, तो बस वही चीजें हो रही है। और ट्रकों का ट्रैफिक शुरू हो गया, आप देख पा रहे होंगे। किलोमीटर तो 135 है पहलगाम, बट टाइम आ रहा है 4 घंटे, उससे भी ज्यादा ही लग जाएगा। कैमरा था बंद, ये जो गाड़ी वाला एक आगे जा रहा ना, ये और आगे एक और गया भाई, ये इस साइड से जो अपनी लेफ्ट साइड है वहां से करते हैं यार ओवरटेक कुछ लोग। ये कैसा रूल है भाई रोड का, ये समझ नहीं आ रहा ये कैसा रूल है, और जबरदस्ती कर लेते हैं फिर यार ये लोकल्स हैं, फिर ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। एक टनल आई है, इसमें इतना अंधेरा है, गाड़ी की लाइटें वाइटें ना जलाओ ना, कुछ भी ना दिखे इसमें, तो बड़ा खतरनाक टनल आया है। नया बना है शायद अभी, इसमें लाइटिंग वाइटिंग नहीं लगी अभी तक, सब कुछ अंधेरा है। अगर मैं लाइट ऑफ कर दूं तो भाई दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता। तो ये वाली टनल पार कर रहे हैं अभी हम। इधर काफी टनल्स बन गए यार, पहले नहीं हुआ करती थी इतनी टनल। एक तरफ रोड का काम चल रहा है, शायद इधर ही टनल बन रही है ना, इसलिए पूरी दीवारें इसको सेफ किया जाता है कि कल को लैंडस्लाइड वगैरह कुछ ना हो, ताकि टनल को कोई नुकसान ना हो, तो इसलिए ये इधर काम चल रहा है टनल का। और उसके अलावा अभी हम देखो थोड़ा सा रास्ता खराब हो गया है, ऑफ रोड आ गया है, नीचे की साइड में चनाब नदी बह रही है, ये एक और टनल आ गई है। टनल बहुत है यार इस रूट पे, बट अंदर जाते हैं तो नेटवर्क वेटवर्क सब उड़ जाता है। और ये देखो नीचे ये है चनाब नदी, इस तरफ बहती हुई आगे की तरफ जा रही है और हम भी इधर ही जा रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, अभी यहाँ एक जानवर बैठा था, कौन सा बैठा था जो ये अभी उड़ रहे हैं ना ऊपर की तरफ, ये देखो ये कितने उड़ रहे हैं गाइस। मैंने इतना बड़ा पक्षी कभी नहीं देखा, मैं एकदम से उतर के यहाँ पे आया, ये एकदम से उड़ा, मैं डर गया। ये कम से कम 4 फुट का था, 4 फुट मिनिमम, इतना मोटा, इतना बड़ी बड़ी इसकी टांगे। यहाँ बैठा था, बहुत तेज मिट्टी उड़ी यहाँ से जब वो उड़ा। तो चनाब रिवर देखो कैसे कैसे ब्रिज है यहाँ पे लकड़ी के, एंड बहुत लंबा चौड़ा जाम लगा इधर भी। तो जी हम बैठे हैं अभी गाड़ी के अंदर, बहुत लंबा चौड़ा जाम लगा है, क्या ही कर सकते हैं, जल्दबाजी तो हो ही नहीं सकती, बैठ के सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। और ये देखो टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और लाइन्स बहुत लंबी लगी आगे एंड पीछे भी। आगे फंसी है अभी, शायद कोई इमरजेंसी पेशेंट हो सकता है, तो श्रीनगर जा रही होगी। अभी देखो आगे जाम है, अभी थोड़ा खुला है, जस्ट इसके साउंड की वजह से इधर वाले लोगों को चलाया है, तो शायद हम लोग भी थोड़ा निकल जाएं, पिछले 3 घंटे से खड़े हैं एक ही जगह पे। अभी क्या है, एप्पल का सीजन नहीं है तो ये सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि नहीं तो ट्रकों की इतनी लाइन्स रहती है इधर, एक तरफ तो ट्रक ही चलते हैं। और ये जगह क्रॉस कर रहा हूँ मैं अभी, और शाम के करीब 5:15 हो गए हैं, और होपफुली आज
हम पहुंच पाए जहां तक हमने सोचा है। बनिहाल में पहुंच गए हम। बनिहाल अनंतनाग शायद आगे होगा, बाकी बहुत क्लोज लगा रखी है यार गाड़ी, मैंने बहुत ही क्लोज लगा रखी है अगली गाड़ी की। अगर वो बैक हो गए ना थोड़ी सी, व्हीकल्स बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं और ट्रक्स इतने क्लोज आ रहे हैं ना एक तरफ से, क्या उसने रेडी लगा रखी है एवरीबॉडी। ये जबरदस्ती देखो आप, लोकल्स की क्या जबरदस्ती है भाई, धक्के से गाड़ी घुसेड़ दी अपने अंदर, हमने कुछ ही नहीं कर सकते भाई, कुछ भी नहीं कर सकते ऐसी जगह आके। मिल्क लिया है ये अमूल का, ये लंबा चल जाता है, और कुछ ग्रिप्स लिया है, ये सारी चीजें मेडिकल स्टोर से ले ली है। अभी गाड़ी पे चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा दूर जाना है अपने को, लोग बैक भी नहीं करने देंगे, इतना चिपक चिपक के जा रहे हैं। एक बार फिर से आ गए मैदान में, थोड़ा सा सामान लेने चला गया था, एक दूध ले लिया एंड विक्स की गोलियां ले ली जो मेरे गले को राहत देती रहेगी। एवरीबॉडी अभी देखिए थोड़ी सी बेटर रोड मिली है हमें, काफी देर से हम ट्रैफिक में फंसे थे। अभी फॉग बहुत तगड़ा आ रखा है, आगे दिख भी नहीं रहा ढंग से, तो अभी कैमरा भी फोकस नहीं कर रहा रोड पे सही से, अच्छा खासा फॉग है और धीरे धीरे करके चल रहे हैं हम। पहलगाम 48 किलोमीटर 1 घंटा 19 मिनट। अकेले सोलो कैंपिंग करना इजी नहीं है यार, कल कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी देखेंगे जहाँ थोड़ा सा अपने कैंपिंग आराम से कर पाए तो ही कैंपिंग करेंगे। आपको ये कल सुबह दिखाऊंगा, बाकी मुझे नहीं लगता कि आज टेंट लगाना सक्सेसफुल होगा, क्योंकि जितना फॉग है भाई पूरा पानी बरस जाएगा, टेंट हो जाएगा गीला अच्छे से, अंदर तक पानी आ जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है। ने अनंतनाग क्रॉस करके एक मटन नाम की जगह आई है और यहाँ पे मैंने स्टे लिया है। ये एक प्रॉपर्टी है आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया रूम है और बहुत ही बढ़िया भाई मिले अपने को, और आज का अपना स्टे यहीं का ही है। और जगह देखो कितनी कलरफुल है, यहीं आज खाना खाते हैं, डिनर विनर सब यहीं का ही प्लान हो गया है, बाकी इतना सामान निकाला मैंने ये लेके चलेंगे। हे गाइस, मैं अभी रूम में आ गया, रूम का व्यू दिखा देता हूँ आपको, कितना सही रूम है, और सबसे बढ़िया बात इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है, और सबसे बढ़िया बात आपको दिखाता हूँ, ये गैलरी से यहाँ से अपनी नीचे गाड़ी दिखती है, देखो ये अपनी गाड़ी खड़ी है। ये जगह मटन नाम की जगह है कि अनंतनाग से आप पहलगाम की तरफ जाते हो तो रस्ते में ये प्रॉपर्टी आती है, इतनी कलरफुल है ना देख के मजा आ जाएगा। होपफुली आपको यार ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, मैं वीडियो ज्यादा एडिट नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आते टाइम या तो ऐसी प्रॉपर्टी पे 2 दिन और रहने की मैं सोच रहा हूं, अगर 2 दिन रुक के वीडियोज एडिट करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा, और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, टिल देन लव लाइफ, बाय बाय।